ऐसा दिन कोई नहीं हुआ है मेरी जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक कि ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। दोस्तों, अक्षय कुमार की तरह कई बड़े बड़े दिग्गज लोग सुबह काफी जल्दी उठते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुपरस्टार रजनीकांत, एप्पल के सीईओ टिम कुक, ट्विटर फाउंडर जैक डॉर्सी, बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु, द दलाई लामा, सतगुरु एंड इवन विराट कोहली। फ्रेंड्स, सुबह जल्दी उठने का कोई ना कोई कारण तो जरूर होता होगा। हो सकता है यही एक आदत इन्हें अपने साथियों से काफी आगे ले जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम साइंटिफिकली समझते हैं कि क्यों हमें सुबह 5 बजे उठना चाहिए और कैसे ये सिर्फ एक आदत हमें एक दिन अल्ट्रा सक्सेसफुल बनाएगी। फ्रेंड्स, ऐसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव इंसाइटफुल वीडियोस के लिए द डॉक्टर स्मिथ शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब दोस्तों, ये बड़ा जायज सवाल है कि सुबह 5 बजे ही क्यों जगे। 5 बजे जगने से हमारी क्रिएटिविटी कैसे बढ़ती है, अपनी एनर्जी कैसे डबल हो जाती है और हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे ट्रिपल हो जाती है। इसका कारण ये है कि हम सभी के पास अपने पूरे दिन में काफी लिमिटेड एनर्जी मेंटल कैपेसिटी होती है, इसे हम कॉग्निटिव बैंडविड्थ कहते हैं। अब हमारे पूरे दिन के दौरान जैसे जैसे हमारा ध्यान अलग अलग चीजों पे जाता है, अपने काम पे, न्यूज, लोगों से बातचीत कर मिलने जुलने में और सबसे इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया पर, तो हमारे दिमाग की एनर्जी कॉग्निटिव बैंडविड्थ कम से कम होती रहती है और लंच टाइम तक किसी भी एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर फोकस करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस सब का रूट कॉज यह है कि हम लगातार अपना अटेंशन और फोकस एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसा शिफ्ट करते रहते हैं। लेकिन सुबह 5 बजे उठने से हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम पर बिना कोई भी डिस्ट्रेक्शंस के फोकस कर सकते हैं। अगर हम सुबह 5 बजे उठकर एकदम शांत दिमाग से अपनी दिन की शुरुआत करेंगे तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कुछ देर के लिए ही सही बंद हो जाता है। इसे ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटालिटी कहते हैं। अब इसके बड़े ही फायदे होते हैं, स्पेशली उन्हें जो बहुत चिंता करते हैं, जिनका ओवरथिंकिंग दिमाग है। ये सारी एंजाइटी, वरी, ओवरथिंकिंग कुछ देर के लिए बंद हो जाएगी और हम खुद को एक फ्लो स्टेट में पाएंगे। ऐसे स्टेट में रहकर हमारा दिमाग एक ही काम में डूब जाएगा जिससे उस काम के कई लाजवाब रिजल्ट्स निकल के आएंगे। हमारा ब्रेन एक थीटा वेव स्टेट में चला जाता है जिसके साथ साथ कई ब्रेन केमिकल्स रिलीज होंगे, डोपामिन एंड सेरोटोनिन। इसके दूसरी ओर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की मात्रा काफी घट जाती है। दोस्तों, इस लाजवाब इंफोग्राफिक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दुनिया की किसी भी फील्ड के दिग्गज इन 4 चीजों पर फोकस कर इतिहास रचते हैं। फर्स्ट, कैपिटलाइजेशन IQ। दोस्तों, हम में से कई लोग सक्सेसफुल और जीनियस लोगों को गॉड गिफ्टेड मानते हैं, यानी ये लोग जन्म से ही हाई IQ पैदा हुए थे। अब ऑनेस्टली ये कुछ हद तक सच है, पर दोस्तों, स्मार्ट हार्डवर्क से आप भी कोई भी स्किल सीख सकते हैं जो आपको उस फील्ड में मास्टरी दिला सकेगा। वो कहते हैं ना, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। इसलिए दोस्तों, अब सबसे पहले आप अपना IQ और स्किल्स को अपग्रेड करने में लग जाएं। सेकंड, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर काम करते हैं। सुबह 5 बजे ये नेचुरली होता है। कहते हैं, एन एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज द डेथ ऑफ योर क्रिएटिव प्रोडक्शन। नंबर 3, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। अल्ट्रा सक्सेसफुल बनने के लिए हमें किसी एक चीज में मास्टरी हासिल करनी पड़ती है और दोस्तों, ये हासिल करने में काफी टाइम लगेगा, तकरीबन 10,000 घंटों की लगातार प्रैक्टिस। एंड नंबर 4, डे स्टैकिंग। दोस्तों, एक पूरा दिन अपने आप में एक छोटी जिंदगी होती है, इसीलिए हमें हर दिन 1% बेटर बनते जाना चाहिए और धीरे धीरे इन दिनों के काम से हम अल्ट्रा सक्सेसफुल बन पाएंगे। दोस्तों, इन 4 पहलुओं को मास्टर कर हम भी जीनियस और अल्ट्रा सक्सेसफुल बन सकेंगे। नंबर 1, माइंडसेट। ये हम सभी जानते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहकर हमें अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। आपने मेरे इस पर वीडियोस देखे ही होंगे, पर फ्रेंड्स, ये सिर्फ 25% काम करेगा, बाकी 3 पहलू भी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड,
हार्ट सेट जो हमारा इमोशनल वेलबींग होता है। दोस्तों भले ही आपका माइंडसेट वर्ल्ड क्लास हो सकता है पर अगर आप इमोशनली वीक हैं तो आप कुछ भी बड़ा हासिल करने में नाकाम रहेंगे। फ्रेंड्स हमारे अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं वो कभी भी मरते नहीं हैं, वो सिर्फ जिंदा दफन होते हैं जो कुछ देर बाद बुरी तरीके से व्यक्त होते हैं। इसीलिए दोस्तों अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना सीखो। थर्ड हेल्थ सेट आपकी फिजिकल हेल्थ, इसे भी बड़ा तगड़ा बनाए क्योंकि आपको जितनी भी दौलत शोहरत मिल जाए पर अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो ये सब कुछ काम का कहाँ है। मेरे बाकी वीडियोस आपको इसी में काफी मदद करेंगे। फोर्थ सोल सेट, ये आपका स्पिरिचुअल कोशंट है जिसे हम SQ कहते हैं, इसे भी तगड़ा बनाइए। सुबह 5 बजे जगकर अपने साथ एकांत में वक्त बिताएं, मेडिटेट करें, इससे आपकी जिंदगी निखर जाएगी। ऑलराइट दोस्तों मैं ये जानता हूँ कि आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि स्मिथ ये थियरी का ज्ञान तो सब ठीक है, हमें कुछ प्रैक्टिकल बता, हम सुबह 5 बजे जगकर क्या करें, मोबाइल देखें, सोशल मीडिया स्क्रॉल करें, अपना मॉर्निंग रूटीन कैसे बनाएं? तो दोस्तों इसके लिए मेरे अगले वीडियो का आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पर अगर आप आज ही वो सब कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरा 5M क्लब का पुराना डिटेल्ड वीडियो वापस जाकर जरूर देखना। ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं, पीस, थैंक यू।